गाइस अगर आप ये वीडियो को बढ़ा के स्किप करके देखेंगे तो अभी ये वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि बाद में आप ही लोग कमेंट करोगे कि मेरा जो लॉक रीसेट नहीं हुआ, तो सेटअप होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मोबाइल अनलॉक नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मैं वीडियो को पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का लॉक वाकई तोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है पूरा देखना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना, ताकि कुछ भी परेशानी दिक्कत आए तो आप मुझे फ़ौरन कॉन्टैक्ट कर सके कमेंट में, या फिर फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो अपने मोबाइल फ़ोन को जो है लॉक कर लिया है, ठीक है, और मैंने क्या लॉक लगाया, मैं अपने मोबाइल फ़ोन का जो है लॉक भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैंने जो ये पैटर्न लॉक लगाया है, अगर आप मोबाइल फोन पे कुछ भी पिन पैटर्न पासवर्ड लगाया हुआ है अपने एंड्रॉइड फोन पे, ठीक है, मेरे पास जो है दोस्तों वो वीवो Y91i है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास है वीवो का कोई भी मोबाइल फोन या फिर ओप्पो का है, तो कैसे करना है सारे सिस्टम में इस वीडियो में आपको समझा दूंगा, ताकि ओप्पो का भी समझ में आ जाए, आपको वीवो का भी। सिंपल फॉरगेट पर क्लिक करते हैं तो गाइस यहां पर जो आंसर मांग रहा होता है वेरिफिकेशन, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो दोस्तों यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने मोबाइल को जो है रीसेट करना है। रीसेट करेंगे तो ही आपका मोबाइल का लॉक जो है वो रिमूव हो पाएगा। ठीक है, अगर आप मोबाइल शॉप भी जाते हैं तो वहाँ भी जो है आपको हार्ड रीसेट सॉफ्टवेयर डाल के देता है, लेकिन मैं आपको घर बैठे लॉक को जो है रिमूव करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल जो है गाइस यहाँ पर फॉरगेट का जो टाइम चल गया है, और मैंने बहुत सारे लॉक अपने ट्राई किया लेकिन लॉक जो है नहीं खुल पा रहा है। तो आखिर आपको करना क्या है, तो आपको वीडियो को जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, क्या करना है, तो सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ले लेना है। उसके बाद करना क्या है, अपने फ़ोन को जो है सबसे पहले जो है स्विच ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन से आपको सारा सेट एंटम काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो अपने मोबाइल को जो है पावर ऑफ कर लेना है, तो मैं सिंपल पावर ऑफ करके सिंपल कुछ सेकेंड जो है आपको अपने मोबाइल को जो है रेस्ट कर लेना है, रेस्ट हो जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आपको जो है वॉल्यूम बटन एंड और पावर बटन को साथ में प्रेस करना है। ठीक है, ऐसे नहीं आगे पीछे, साथ में प्रेस करके रखना है। यहाँ पर ही आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है, उसके बाद देखते हैं क्या इंटरफेस आता है। तो मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, आप भी रखिए। तो गाइस यहाँ बटन प्रेस करने में छोटी सी दिक्कत हो गई, आप देख सकते हैं वापस हमारा जो मोबाइल है वो वापस स्विच ऑफ हो गया है। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग क्या करना है, अब वेट करते हैं क्या इंटरफेस आता है, उसके बाद आपको प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये गलती आपके साथ भी हो सकती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अब जो भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मैं आपके सामने आया, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उनका तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो चलते देखते क्या इंटरफेस ओपन होता है, उसके बाद की प्रोसेस आपको बताता हूँ। ऑन हो जाए यार। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है ऑन हो गया है। तो वापस से गाइस इसको आपको स्विच ऑफ कर लेना है। ठीक है, सिंपल पावर ऑफ कर लेना है। अभी बटन प्रेस करने में कोई गलती आपको नहीं करना है, आपको ध्यान से वॉल्यूम बटन को एंड पावर बटन को साथ में प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो ये आप मैंने प्रेस किया एंड इसको साथ में प्रेस करता हूँ। ठीक है, प्रेस करके कुछ सेकेंड रखना है, जैसे कि 15 से 20 सेकेंड आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद जो है आपके सामने जो है कुछ लॉक इंस्कर मोड में इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो मेरा जो फ़ोन है गाइस पुराना हो गया, इसलिए थोड़ा वेट ले रहा है। अगर आपका न्यू फ़ोन है तो आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिन बाद रीसेट कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल को। तो देख सकते हैं आपके सामने जो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ स्क्रीन काम नहीं करेगा, आपको नीचे आना, वॉल्यूम डाउन बटन से रिकवर मोड पर सिलेक्ट करना है पावर बटन से। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या इंटरफेस आता है देखते हैं। तो यहाँ वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक पावर बाय एंड्रॉइड, यहाँ पर वेट करते हैं फ़ोन रीसेट। तो गाइस यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 4-5 ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपल आना है वॉल्यूम डाउन बटन से आना है, वाइप डाटा पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद वाइप कैचअप पार्टीशन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, इसको पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद के ऑप्शन आपको बता दूँ। ये सक्सेसफुल हो चुका है कैचअप। उसके बाद गाइस आपको रिस्टोर ऑल सेटिंग्स पर आना है। ठीक है, सिंपल इसको आपको कर लेना है कम्प्लीट। तो ये भी मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद जो गाइस आपको आना है बैक आना है, वाइप पर आपको नहीं जाना है, बैक आना है एंड यहाँ पर एक काम करना है आपको। ठीक है, नीचे आना है, सिस्टम रिपेयर मोड पे आना है और इस पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ओके कर दें। यहाँ पर ही गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है और आपके सामने जो है मोबाइल ऑन होता है। यहाँ पर ही गाइस आपका मोबाइल 10 से 20 मिनट आपका मोबाइल जो है ऑन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, उसके बाद जो है गाइस यहाँ पर ही आपको सिलेक्ट कर लेना है सिस्टम रिबूट पे। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ देना है। यहाँ पर ही आपको 10 से 20 मिनट वेट लगता है। ठीक है, तो आपको वेट करना है।
5 से 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद जो है आपका मोबाइल जो है ऑन हो जाता है। ठीक है, तो गाइस काफ़ी समय वेट करने के बाद जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अब मेरा जो फ़ोन है वो सॉफ्टवेयर हो चुका है वगैरह, हमारा जो डेटा वगैरह वो सारा रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा जो स्क्रीन लॉक था वो भी रिमूव हो चुका है, वगैरह प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह सारा रिसेट हो चुका है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पर मैं सेटिंग में जाके अपने मोबाइल को जो है वापस से लॉक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक सेटिंग भी कर लेना जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दिया हूँ, ताकि आपको बार बार डाटा को लॉस्ट करना ना पड़े। ठीक है, तो जाके ज़रूर से वो वीडियो को देखें, वहाँ पर क्या होगा दोस्त आप अपने स्क्रीन लॉक का इसीलिए फॉरगेट कर पाएंगे विदाउट रीसेट। ठीक है, एक सेकंड में रिमूव हो जाएगा, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो यही दो आंसर है जो फॉरगेट करने समय आपको मांगता है। ठीक है, तो यही आंसर को आपको न्यू से टाइप कर लेना है, ताकि आप फॉरगेट करने समय ये प्राइमरी स्कूल ये आंसर को देके आसानी से अपने मोबाइल को जो है रिमूव कर पाएंगे लॉक को। ठीक है, तो तब तक लीजिए भारत।